Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar. Find the condition, ये problem जो है वो vector analysis की है. Find the condition for the equations vector r cross a vector is equal to b vector and r vector cross c vector is equal to d vector. 2v कंसिस्टेंट मीन्स हमें कंडीशन निकालनी है कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो कंसिस्टेंट हो. सिंपल शब्दों में वैसे कंसिस्टेंट का हिंदी में मतलब होता है संगत, लेकिन यहाँ पर ये समझें कि ये दोनों इक्वेशन ठीक हों, यानी ये सही दे रखे हैं, तो क्या इनके बीच में एक रिलेशन होगा, वो हमें कंडीशन फाइंड करनी है. तो इसके लिए पहला जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लिखेंगे आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी, और इसमें हम बी से सी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं. बी से तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोथ साइड्स तो आर क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी के साथ में. टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट बोथ साइड विद सी वेक्टर सी, तो राइट हैंड साइड में वी डॉट सी, और ये हमने पोस्ट में डॉट प्रोडक्ट किया है सी से. और जब तीन वेक्टर इस तरीके से हों, दो वेक्टर क्रॉस में लिखे हों एक डॉट में, तो फिर इनको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका होता है, और इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से डिनोट करते हैं सिंपल फॉर्म में. और इसी ऑर्डर में लिखते हैं बी ए सी लिखा हुआ है, बी डॉट सी ये वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे. अब इक्वेशन नंबर जो सेकेंड इक्वेशन दे रखी थी हमको आर क्रॉस सी इज इक्वल टू डी, इसमें इस जैसा बनाने के लिए इसको ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद ए बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है हम ए से, और इसको हम प्री में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं आर क्रॉस सी और डॉट ए. प्रोपोस्ट में ले रहे हैं, तो पोस्ट में भी ले सकते हैं प्री में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. और इस तरीके से तीन वेक्टर लिखे हों जैसे पहले बताया, यहाँ पर उसको लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आर सी और ए और इज इक्वल टू डी डॉट ए. अब इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा, राइट में राइट. तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा इक्वेशन नंबर वन के आर वेक्टर ए सी ये सब वेक्टर हैं, और लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ देंगे. इक्वेशन नंबर सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, और राइट को राइट से जोड़ देंगे. उसका है बी डॉट सी राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर वन का, इक्वेशन नंबर टू का राइट हैंड साइड है डी डॉट ए वेक्टर. अब हम लोग जानते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसमें कोई दो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो हम इस जैसा बनाने के लिए इसको ए को लास्ट पहुँचा देंगे, जैसे इस यहाँ पर है और सी बीच में है, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे दोनों को. तो दो एलिमेंट को चेंज करने पर माइनस आ जाता है, दो वेक्टर को इंटरचेंज करने पर माइनस आ जाता है, तो माइनस का आ जाएगा ये, और ये पहले से लिखा हुआ है प्लस का, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, और दो वेक्टर प्लस माइनस अगर होंगे तो ये ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा. तो बी डॉट तो ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, ये स्केलर थे तो स्केलर का डिफरेंस भी स्केलर आएगा. और हम राइट हैंड साइड में भी देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा, और ये भी स्केलर, तो इस तरीके दो स्केलर जुड़ेंगे तो स्केलर आ जाएगा. जिस तरीके से देख रहे हैं आर एलिमिनेट हो गया और ए बी सी डी के बीच में एक रिलेशन आ गया, यही रिलेशन जो है वो कंडीशन कहलाएगी. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी. आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.